हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने किचन पंचम्स किचन में। आज मैं बनाने जा रही हूँ पीली मूंग की दाल माखनी विथ जीरा तड़का, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और जो जल्दी से बन जाती है और वो बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। ज़्यादा समय ना लेते हुए आइए शुरू करते हैं बनाना बिना छिलके की मूंग दाल की दाल माखनी। दाल माखनी बनाने के लिए मैंने आधा कप बिना छिलके की मूंग दाल आधे घंटे के लिए भिगो के रखी थी। एक खुला बर्तन लीजिए और उसमें भिगोई हुई मूंग दाल डालें। उसी के साथ उसमें दो कप पानी भी डालें। पानी डालने के बाद उसे मध्यम आंच पे पकने दें। दाल में स्वाद अनुसार नमक डालें और एक चौथाई चम्मच हल्दी के साथ एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च भी डालें और दाल को अच्छे से घुमाएं और उसे ढक्कन लगा के 5 से 6 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दें। अब आप ढक्कन हटाइए और जो ऊपर पीली झाग बनी है उसे करछी से बाहर निकाल दीजिए। ऐसा करने से दाल अच्छे से पकती है और जल्दी बनती है। ये दाल छोटे बच्चों से लेके हर उम्र के लोगों को ये दाल खाने में पसंद आएगी। इसे हम चावल के साथ, रोटी के साथ, पूरी के साथ और इसे पाव के साथ भी खाया जा सकता है। ऐसे तो बहुत सी दालें बनाई जाती हैं, तरह तरह की दाल बनाई जाती है, लेकिन ये माखनी दाल बहुत आसानी से और जल्दी से बना सकते हैं। अब आप दाल को अच्छे से 2-3 बार घुमा लीजिए। अब हमारी दाल काफ़ी हद तक पक चुकी है। अब इसमें मैं 1/4 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डाल रही हूँ। आगे अगर आप इसे बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप लाल मिर्ची पाउडर ना डालें। करछी से दाल को घुमाएं, ढक्कन लगाएं और धीमी आंच करके 4 से 5 मिनट पकने को छोड़ दें। 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। ढक्कन हटा के हम हमारी दाल को अच्छे से घुमाएंगे। अब हमारी दाल बनके तैयार हो चुकी है। आइए अब हम तड़के की तैयारी करते हैं। अब हम एक तड़का पैन लेंगे, गैस पे रखेंगे और उसमें 4 चम्मच घी के डालेंगे। घी गर्म होने पे उसमें 1/2 चम्मच जीरा डालेंगे और बंद करने से पहले थोड़ी सी हींग डालेंगे। हमारा तड़का तैयार हो चुका है। अब हम इसे दाल के ऊपर डालेंगे और दाल को अच्छे से घुमाकर हम दाल को परोस लेंगे। लीजिए, हमारी गर्मा गर्म मूंग दाल विथ जीरा तड़का तैयार हो चुकी है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, जिससे आपको मेरे सभी नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। धन्यवाद।